दो तोते की सोच कहानी। एक समय की बात है, एक राजा शिकार करने की इच्छा से अपने समूह के साथ किसी घने जंगल से गुजर रहा था। उन्हें काफी देर तक तलाश करने पर भी कोई शिकार नजर नहीं आया। वे धीरे धीरे उस घनघोर जंगल के अंदर जाते गए। वहां उन्हें एक जगह डाकुओं के छिपने की जगह नजर आई। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे ही थे कि वहां के एक पेड़ पर बैठा तोता बोलने लगा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। राजा के पास बहुत सारा कीमती सामान है, जल्दी आओ जल्दी आओ, इन्हें जाने मत दो, लूट लो। तोते की आवाज कानों पर पड़ते ही सभी डाकू राजा की ओर दौड़ने लगे। डाकुओं को अपनी तरफ तेजी से आते देखकर राजा और उसके सैनिक भी अपनी जान बचाकर कर भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक भागते भागते डाकुओं से कई कोस दूर निकल नहीं गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ देखकर सब वहां रुके, कुछ देर आराम का सोचकर उस पेड़ के नीचे पहुंचे। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा एक दूसरा तोता बोल पड़ा, पधारिए राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत करता हूँ। अंदर आइए, जल पान कीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा और उनके लोगों को बड़ी हैरानी हुई और वो सोचने लगे कि एक ही जाति के होने के बावजूद दोनों तोतों का व्यवहार इतना ज्यादा भिन्न कैसे हो सकता है। राजा बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं पाया। राजा तोते की बात मानकर अंदर साधु महात्मा की उस सुंदर कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया और अब तक उसके साथ घटी सारी घटना सुनाए और फिर धीरे से पूछा, गुरुवर, उन दोनों तोतों के व्यवहार में भला इतना अंतर क्यों है? साधु बाबा ने राजा की सारी बातें सुनी और बोले, राजन, ये सिर्फ संगति का असर है, बस और कुछ भी नहीं। डाकुओं के साथ रहते रहते पहला तोता भी उन्हीं की तरह हो गया और उन्हीं को भाषा बोलने लगा है। दूसरा तोता कई सालों से मेरे साथ है, इसलिए उसकी भाषा और व्यवहार उस तोते से बिल्कुल विपरीत है, अर्थात जो जिस माहौल में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का अर्थ है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वानों जैसा बर्ताव करने लगता है और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगत में ज्यादा समय बिताता है तो उसके अंदर भी मूर्ख वाले गुण आ ही जाते हैं। इसलिए हमें शांति और माहौल का चयन सोच समझ कर करनी चाहिए।